हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में व्यासीय समतल के बारे में हम पढ़ते हैं और व्यासीय समतल की समीकरण याद करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये व्यासीय समतल डायमेट्रल प्लेन क्या होता है, परिभाषा देखिए। व्यासीय समतल किसी सांकव होता है जो दीर्घवृत्त हो या हाइपरबोला हो, तो किसी केंद्रीय सांकवज के समांतर जीवाओं के जितने भी जीवा खींचते हैं उन सब समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला समतल, ठीक है, समद्विभाजित करने वाला समतल है या समद्विभाजित करने वाले समतल का बिंदुपथ, इसको हम क्या कहेंगे, व्यासीय समतल कहेंगे। यानी जो भी सांकव है इसकी समांतर जीवा होती है उनके मध्य बिंदु इनसे जाने वाला समतल, इसको हम व्यासीय समतल कहते हैं। तो हम अब इसकी ज्ञात करते हैं समीकरण, व्यासीय समतल का समीकरण देखिए। तो मान लेते हैं, माना दीर्घवृत्तज है, दीर्घवृत्तज का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एक, ये कोई केंद्रीय सांकवज है, दीर्घवृत्तज है। और मान लेते हैं समांतर जीवा निकाय का समीकरण, जो इसको इसकी कोई जीवा है, कॉर्ड है कोई, एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन, ये कोई जीवा है, इसके समांतर जीवा और इसके मध्य बिंदु से जाने वाली, तो पी एक्स वन वाई वन जेड वन, ये कोई मध्य बिंदु से जाने वाली सरल रेखा जो इसके समांतर हो, ठीक है, जो दो के समांतर हो, ये समांतर जीवा निकाय है। अब हम एक सी समीकरण ज्ञात करेंगे जो मध्य बिंदु से गुजरे और इसके समांतर लाइन है और मध्य बिंदु से गुजरने वाली लाइन, इसका समीकरण याद करेंगे तो क्या समीकरण आएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू आर। अब हम इस पर बिंदु लेते हैं, इस रेखा पर बिंदु देखिए कौन कौन चाहिए, एल आर प्लस एक्स वन, एम आर प्लस वाई वन, एन आर प्लस जेड वन, ये बिंदु इस सांकव में कहीं पर भी हो सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी स्थित हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, दिए गए जो सांकवज है सांकवज में रखने पर, तो सांकवज को ऊपर भी स्थित हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, परिधि पर भी, तो क्योंकि आर है वो स्वैच्छिक है, ठीक है, तो ये बिंदु इसमें रखते हैं हम, एल आर प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस एम आर प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एन आर प्लस जेड वन का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन। हमें इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ निकालना है, एक्स वन वाई वन जेड वन का बिंदुपथ निकालना है। तो यहाँ से ये आर में द्विघात समीकरण प्राप्त होगी और देखिए कौन सी समीकरण प्राप्त होगी, वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर का हम गुणांक देखें, आर स्क्वायर का तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आगे वाले में एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस टू आर। अब टू आर का गुणांक देखिए, टू आर का गुणांक क्या आएगा, एल एक्स वन इसका डबल, तो ये हो जाएगा एल एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, एम वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, एन जेड वन अपॉन सी स्क्वायर। इससे एन जेड वन अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा पद क्या बचेंगे, एक्स्ट्रा पद बचेंगे एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमें समीकरण, इसको सरल करने के बाद में ये समीकरण प्राप्त हुई। ये आर में द्विघात है और मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं, इसके मूल के मूल हमने मान लिया आर वन तथा आर टू हो, तो मध्य बिंदु के लिए आर वन प्लस आर टू बराबर मूलों का योग क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, एल एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, एम वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, एन जेड वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब अपने को इसके मध्य बिंदु का बिंदुपद निकालना है, तो मध्य बिंदु क्या था, एक्स वन वाई वन जेड वन, अतः मध्य बिंदु का बिंदुपथ आ जाएगा एल एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एम वाई अपॉन बी स्क्वायर, एन जेड अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये ऐसा प्रतिबंध है जो इस व्यासीय समतल के मध्य बिंदु का बिंदुपथ है, यानी व्यासीय समतल का समीकरण हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मध्य बिंदु का जो बिंदुपथ होता है उससे जाने वाला समतल ही व्यासीय समतल होता है। नेक्स्ट एक और करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें है सिद्ध करो कि दीर्घवृत्तज, कोई दीर्घवृत्तज है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये है एक दीर्घवृत्तज है, इस दीर्घवृत्तज के किन्हीं तीन परस्पर लंबवत, तीन परस्पर लंबवत अर्धव्यास के व्युत्क्रमों के लंबवत अर्ध व्यासों के व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल, व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल अचर होता है। ठीक है, अचर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है जोधपुर यूनिवर्सिटी में 4, 7, 8, 11 और 15 बार आया हुआ है। तो ध्यान से समझिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें अपने को दिया हुआ है कोई दीर्घवृत्तज है, दिया गया दीर्घवृत्तज देखिए
दिया गया दीर्घ वृत्तज का समीकरण है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस दीर्घ वृत्तज के यहाँ पर अपने को तीन अर्धव्यास दिए हुए हैं, पी क्यू और आर, तीन अर्धव्यास दिए हुए हैं। मान लेते हैं तीन अर्धव्यास है और तीनों आपस में लंबवत है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना तीन अर्धव्यास ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर हो, तो ओ पी जो दूरी है इसको आर वन मान लेते हैं, ओ क्यू की दूरी है उसको आर टू मान लेते हैं, ओ आर है उसको आर थ्री मान लेते हैं। अतः हम सिद्ध क्या करेंगे, तो हमें सिद्ध करना है एक बटे आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर इक्वल टू कोई अचर मान आना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर कोई एक कॉन्स्टेंट मान हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसकी दिकोजय मान लेते हैं, ये दूरी है। अब माना ओ पी ओ क्यू, माना ओ पी की दिकोजय एल वन एम वन एन वन और ओ क्यू की दिकोजय मान लेते हैं एल टू एम टू एन टू, ओ आर की दिकोजय मान लेते हैं एल थ्री एम थ्री एन थ्री। तो अगर किसी बिंदु है, कोई लाइन है, उसकी दिकोजय अपने पास है, P के निर्देशांक भी अगर हमारे को ज्ञात हो, ये कोई P बिंदु है और इसकी दिकोजय हमारे पास हो और इसके निर्देशांक भी हमें, ये दूरी भी अगर दी भी है, तो इसके निर्देशांक जैसे इसकी दिकोजय LMN है, तो इस LMN को R से गुणा करेंगे तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे LR MR NR, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसी प्रकार OP के निर्देशांक क्या आएंगे, इसी प्रकार P के निर्देशांक, OP तो रेखा है, P के निर्देशांक कितने आएंगे बताइए, L1 R1 M1 R1 N1 R1 होंगे कि नहीं होंगे। इसी प्रकार Q के निर्देशांक क्या आएंगे, L2 R2 M2 R2, क्योंकि इसकी दूरी R2 है और N2 R2, और R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, L3 L3 R3 M3 R3 और N3 R3, ये हमें निर्देशांक P Q R के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब चूंकि P Q R जो बिंदु है वो तीनों इस दीर्घ वृत्तज के ऊपर स्थित है, तो हम क्या करते हैं, तीनों बिंदु इस दीर्घ वृत्तज के में रखेंगे। चूंकि P Q R ये है दीर्घ वृत्तज पर स्थित है, अतः L1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। दूसरा बिंदु M1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, तीसरा N1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, समीकरण एक। दूसरी L2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, M2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, N2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन सॉरी ये B स्क्वायर और ये C स्क्वायर इक्वल टू वन, ये समीकरण दो। और तीसरी समीकरण क्या बनेगी, L3 का स्क्वायर R3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, M3 स्क्वायर R3 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस
एन थ्री स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एक। अब एक दो तीन को हम सरल करते हैं और सरल करेंगे तो समीकरण एक से देगी एल वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एन वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक बट्टे आर वन स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा एल टू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम टू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एन टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एक बट्टे आर टू स्क्वायर हो जाएगा। आर वन आर टू आर थ्री को हम चेंज कर देते हैं स्थिति, एल थ्री स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम थ्री स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एन थ्री स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एक बट्टे आर थ्री का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, तीनों का जोड़ते हैं आपस में। तो अब चूंकि P, Q, R तीनों लंबवत है और इसकी द्विभुजें भी आपस में लंबवत है, तो L1 को L2 से गुणा करेंगे, L1 को M2 से, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। बाकी L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर क्योंकि द्विभुजें है तीनों ही लंबवत है, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर क्योंकि ये भी लंबवत है, तो द्विभुजों अगर तीन द्विभुज है लंबवत है तो उनका वर्ग करके अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये एक होता है। तो इसको अगर हम वर्ग करके स्क्वायर करें तो एक बटे ए स्क्वायर आएगा। क्या किया हमने, वर्ग करके, तो सॉरी वर्ग तो किया हुआ है, जोड़ देते हैं, एक प्लस दो प्लस तीन से जोड़ेंगे तो वन अपॉन ए स्क्वायर, जैसे वन अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर प्लस एल थ्री स्क्वायर, एल थ्री स्क्वायर कितना मान आएगा, एक आएगा। इसका हो जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर और इसका हो जाएगा वन अपॉन सी स्क्वायर, एन वन एन टू एन थ्री क्योंकि ये भी लंबवत है द्विभुज है, तो एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर एन थ्री स्क्वायर का मान भी एक होगा और वह किसके बराबर होगा, आर वन स्क्वायर एक बटा आर टू स्क्वायर एक बटा आर थ्री स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर ये एक अचर राशि है, ये अपने को सिद्ध करना था, ये इसके बराबर है और ये कांस्टेंट राशि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दोबारा इसको अच्छी तरीके से समझना है।